एक समय ऐसा था कि जब बॉलीवुड का जादू हर किसी के सर पे चढ़ के बोलता था, बॉलीवुड के सामने कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि आज हर तरफ केवल और केवल साउथ इंडस्ट्री का ही बोलबाला है और बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री के सामने चाय कम पानी नजर आ रही है। साउथ इंडस्ट्री ने बाहुबली और RRR जैसी फिल्में देकर अपने आप को साबित कर दिया है। आज के समय में सभी दर्शकों का रुख साउथ की फिल्मों की ओर हो गया है। SS राजामौली की फिल्म RRR ने बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। अगर मीडिया की माने तो अब तक फिल्म 900 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर चुकी है। ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड्स है और यूं कहें कि सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजामौली की फिल्म RRR के बाद साउथ की 7 फिल्में जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके कारण बॉलीवुड और सदमे में जा सकता है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो 7 फिल्में जो एक एक करके रिलीज होने वाली है। नंबर 1 पे आता है KGF चैप्टर 2। KGF के सीक्वल KGF चैप्टर 2 में यश सहित रवीना टंडन और संजय दत्त जैसे बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स दिखाई देंगे। ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 100 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि फिल्म सिर्फ पहले ही दिन 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। वहीं अगर हम दूसरी फिल्म की बात करें तो लाइगर, विजय देवरकोंडा भी जल्द ही बहुचर्चित फिल्म लाइगर लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 25 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बता दें कि इस फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी आपको दिखाई देंगे। वहीं तीसरी फिल्म है आदि पुरुष। बाहुबली के बाद प्रभास बेशक एक सुपरहिट फिल्म की तलाश में है, लेकिन उनकी मांग अभी भी कम नहीं हुई है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म राधेश्याम उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं कर पाई, लेकिन अब ये दिग्गज आदि पुरुष फिल्म से जोरदार वापसी को बेताब है। ये फिल्म January 2023 में रिलीज की जाएगी। चौथी फिल्म की अगर हम बात करें तो सालार। आदि पुरुष के अलावा प्रभास की सालार भी रिलीज होने की कतार में है। इस फिल्म में उनके साथ श्रुति हसन, जगपति बाबू जैसे साउथ के दिग्गज कलाकार भी आपको दिखाई देंगे, जबकि फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील कर रहे हैं। ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। पांचवी फिल्म की अगर हम बात करें तो बिस्ट। साउथ के दिग्गज अभिनेता विजय की आगामी फिल्म बिस्ट का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में विजय के साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी दिखाई देंगी। बता दें कि ये फिल्म 13 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी। वहीं छठी फिल्म है आचार्य। मल्टी स्टारर फिल्म आचार्य में रामचरण, पूजा हेगड़े, चिरंजीवी, काजल अग्रवाल और सोनू सूद जैसे दिग्गज कलाकार आपको दिखाई देंगे। 140 करोड़ बजट की ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। सातवें नंबर पे जो फिल्म है वो है विक्रांत रोना। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार किच्चा सुदीप अपने आगामी फिल्म विक्रांत रोना के कारण सुर्खियों में है। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता के साथ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी आपको दिखाई देंगी। अनूप भंडारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की अभी तक रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये भी कतार में है। तो इस तरीके से ये 7 फिल्में जो साउथ की फिल्में हैं, जिस तरीके से पुष्पा ने सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया और बच्चे बच्चे ने फिल्म के डायलॉग को याद कर लिया था, ठीक उसी प्रकार RRR ने भी सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। और अब ये 7 फिल्में जो आने वाली है उनका ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार रहेगा कि जब ये बॉक्स ऑफिस पे आएगी तो क्या धमाल मचा पाती है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।